CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वनि शाला में। नमस्कार, मैं नीलकंठ कुमार, संकाय सदस्य CIET NCERT हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है वह चिड़िया जो, और इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। यह कविता कक्षा 6 की किताब वसंत भाग 1 से संबंधित है। वसंत भाग 1 की यह पहली ही कविता है। चिड़िया का नाम सुनते ही हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि फुदक फुदक कर एक जगह से दूसरी जगह पर, एक टहनी से दूसरी टहनी की ओर वो जा रही हो, भाग रही हो। तो आज इस मज़ेदार कविता के बारे में हम सब जानेंगे और समझेंगे। थोड़ी सी बात इस कविता के कवि के बारे में भी जान लेना बेहतर होगा। कवि केदारनाथ अग्रवाल का बचपन खेत खलिहानों, नदियों, वनों, उपवनों, तालाबों और जानवरों के पीछे दौड़ते भागते हुए बीता था। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरा का पूरा बचपन प्रकृति के बीच बीता, चिड़ियों को देखते हुए, पशुओं को देखते हुए, और इस तरह से धीरे 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 उनको प्रकृति से मानो प्यार हो गया, और इसीलिए उनके अंदर की चिड़िया इस कविता में अभिव्यक्त हुई है शब्दों के माध्यम से। दरअसल यह चिड़िया जो आपको कविता में दिखाई पड़ती है वो कहीं ना कहीं से कवि के मन के अंदर बैठी हुई चिड़िया भी है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर वो चिड़िया है कैसी और वो चिड़िया हमसे कैसे जुड़ती है। इस कविता को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उतार चढ़ाव के साथ हम उस कविता को पढ़ें, उसका पाठ करें। अगर आप उचित लय के अनुसार अर्थ को समझते हुए, भाव को समझते हुए कविता का पाठ कर लेते हैं तो समझिए कि आधे से अधिक कविता का अर्थ आपके समझ में आ गया है। तो आप भी जब मैं पाठ कर रहा हूँगा तो मेरे साथ साथ पाठ करने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ साथ भी और मेरे बाद भी। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो विद्यार्थियों, आपने वह चिड़िया जो कविता का एक पाठ सुन लिया। कविता को पढ़ते हुए कुछ न कुछ चिड़िया के बारे में जो बातें हुई हैं वो आपके समझ में भी आई ही होंगी। तो जिन बातों को आपने नोटिस किया, जिन बातों की ओर आपने ध्यान दिया, उसके आधार पर आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप बताइए कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। आप ज़रा सोचिए अपने मन में कि बहुत सरल और सहज भाषा में लिखी गई केदारनाथ अग्रवाल की इस कविता में चिड़िया की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो मेरे समझ में तो बात ये आई कि चिड़िया को अन्न से प्यार है, चिड़िया को नदी से भी प्यार है, और चिड़िया को विजन से भी प्यार है, और आप कह सकते हैं कि चिड़िया को दूध भरे
जुंडी के दाने से भी प्यार है। तो चिड़िया को बहुत सारी चीजों से प्यार है। आप इस कविता को पुनः ध्यान से पढ़ते हुए ये देखिए और जानने का प्रयास कीजिए कि इस कविता के आधार पर चिड़िया को किन चीजों से प्यार है और चिड़िया की विशेषताएं क्या क्या बताई गई हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि चिड़िया नीले पंखों वाली है, चिड़िया साहसी भी है और अरे चिड़िया तो संतोषी भी है, क्योंकि दूध भरे जुंडी के दाने को खाकर वो खुश भी होती है, देखती भी है, इधर उधर उड़ती भी है और प्रसन्न रहती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि चिड़िया संतोषी भी है, क्योंकि उसे जो मिल रहा है वो उसे ही खाकर प्रसन्न है। तो चिड़िया के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको एक कविता से मिल रही है। और अगर आपने इन सारी बातों की ओर ध्यान दिया है तो अब हम कविता के अर्थ की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। आपने पाठ सुन लिया, पाठ के आधार पर यह भी जान लिया कि चिड़िया की विशेषताएं क्या क्या हैं, चिड़िया किन चीज़ों को खाकर खुश रहती है। तो आइए इन सारी बातों को हम ध्यान में रखते हैं और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इनको कविता से जोड़ते हुए कविता के अर्थ को आगे बढ़ाते हैं, उसके भाव को विस्तार देते हैं और साथ ही हम अपनी समझ को भी आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए कविता का अर्थ करने के लिए पुनः हम इस कविता को पढ़ते हैं। आप भी कविता को देखिए और मेरे साथ साथ इस कविता का अर्थ और भाव विस्तार करने का प्रयास कीजिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो चिड़िया अपने बारे में खुद ही कह रही है। आप कह लें कि कवि एक तरह से चिड़िया बनकर अपनी बात कर रहे हैं। तो चिड़िया के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि मैं ऐसी चिड़िया हूँ जिसके पंख नीले हैं। और फिर वह चिड़िया कहती है कि मैं चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से और रस से खा लेती हूँ। हमारी और आपकी तरह उनके पास हाथ या पांव नहीं होते, तो वो कैसे खाएंगे? चोंच मारकर। अब आप अर्थ लगाने का प्रयास कीजिए आगे पीछे के संदर्भ को देखते हुए, आगे पीछे जो कविता में बातें की गई हैं कि दूध भरे जुंडी का क्या अर्थ हो सकता है। जुंडी का मतलब है किसी दाना की ओर, किसी अनाज की ओर संकेत किया गया है। दूध भरे हुए जुंडी के दाने, आपने गेहूं की बाली देखी होगी। अगर आपने कभी खेत खलिहानों को देखा हो तो आपने देखा होगा कि गेहूं में बाली लगती है, तो उस बाली की ओर ही संकेत किया गया है। और दूध भरे जुंडी, जुंडी का अर्थ ज्वार से है। तो ज्वार के दाने चिड़िया खा रही है। और ये भी बताया गया है कि वो ज्वार के दाने कैसे हैं, तो वो दूध से भरे हुए हैं। दूध से भरे हुए दाने कब होते हैं? जब वो पके हुए नहीं होते हैं, थोड़े से कच्चे होते हैं। और उसको चिड़िया कैसे खाती है? रुचि से, रस से वो खा लेती है। जरा आप अपने बारे में सोचिए, अगर आप वैसी चिड़िया हो या अपने आप को आप चिड़िया मानते हुए सोचिए कि आपको खाने में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप कितनी रुचि से और रस से खा लेते हैं। वह छोटी, अब चिड़िया अपने बारे में ही कह रही है कि वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मतलब कि मैं संतोषी हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ों की इच्छा नहीं है कि मैं यह भी खा लूँ, मैं वह भी खा लूँ। इसलिए चिड़िया अपने बारे में कहती है कि वह छोटी जरूर है लेकिन संतोषी भी है। तो चिड़िया छोटी है, चिड़िया नीले पंखों वाली है और चिड़िया
अपने बारे में खुद ही कह रही है कि मैं संतोषी भी हूँ। अब चिड़िया आखिर में कह रही है जो मैं आपसे पूछ रहा था इस कविता को पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद भी, कि चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है। तो चिड़िया खुद ही कह रही है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मतलब चिड़िया जो दूध भरे जुंडी के दाने को खा रही है और जिसके बाद वो कह रही है कि वो संतोषी भी है, और नीले पंखों वाली वही चिड़िया अंत में कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो ऐसी है वो चिड़िया। तो चिड़िया अपनी बात कह रही है और चिड़िया के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल भी अपनी बात कह रहे हैं। कहीं न कहीं केदारनाथ अग्रवाल को भी अन्न से प्यार है। अब हम आगे की कुछ पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं। पुनः चिड़िया कहती है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब आग शुरू की कुछ पंक्तियों को ध्यान से देखिए और उन पंक्तियों को देखते हुए अनुमान करने का प्रयास कीजिए, अर्थ लगाने की कोशिश कीजिए कि एक अपरिचित सा जो शब्द विजन के रूप में आपको दिख रहा है, उस विजन शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि आप इसके अर्थ का अनुमान अवश्य कर लेंगे। अगर आप बूढ़े वन बाबा को समझते हैं तो बाबा शब्द का उपयोग कई जगहों पर पुरखों के लिए किया जाता है। पुरखों से आशय यह है कि एक या दो पीढ़ी पहले के लोग, और कई क्षेत्रों में बाबा शब्द दादा के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। वन बाबा मतलब वन की कल्पना दादा के रूप में की गई है। मुझे लगता है कि अब तक आपने विजन शब्द के अर्थ का अनुमान अवश्य कर लिया होगा। विजन शब्द का अर्थ ये है, ऐसी जगह जहाँ पर जन ना हो, ऐसी जगह जहाँ पर कोई रहता ना हो, उसे विजन कहते हैं। विजन या निर्जन जगह। तो विजन शब्द का अर्थ हुआ कि ऐसी जगह जो निर्जन है, जहाँ कोई रहता ना हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो। तो निश्चित रूप से जहाँ जंगल होता है वहाँ अधिकांशतः कोई आता जाता नहीं है। हाँ, पशु पक्षी और चिड़िया वहाँ पर अवश्य आपको मिलेंगे। तो आइए अब पुनः देखते हैं कि चिड़िया क्या कह रही है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। तो चिड़िया कैसे गाती है? कंठ खोलकर। मतलब कंठ खोलकर गाने का मतलब ये हुआ कि पूरे मन से वो गाती है, पूरे सुर में वो गाती है। तो चिड़िया कह रही है कि कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। अब यहाँ वन बाबा को, वन जंगल जिसकी कल्पना दादा के रूप में की गई है, पुरखों के रूप में की गई है और जिन्हें बूढ़ा भी बताया गया है, उस वन बाबा की खातिर यह चिड़िया कंठ खोलकर गाती है। तो निश्चित रूप से उसे अपने बूढ़े वन बाबा से बहुत ही प्यार है। आगे की पंक्तियां बताती हैं कि आखिर वो चिड़िया कैसे गाती है। तो इसका जवाब इन पंक्तियों में दिया गया है कि रस उड़ेल कर गा लेती है। अब रस उड़ेल कर गाने का मतलब क्या हुआ? कि चिड़िया ऐसे गाती है जैसे बिल्कुल प्रसन्नता से भरी हुई पूरे सुर में और मन में वो गा रही है। रस उड़ेल कर गाने से ये आशय है। और आगे फिर एक और विशेषता की ओर संकेत है चिड़िया की,
वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। अब फिर से चिड़िया कह रही है कि वह मुंह बोली है, मतलब अपने बूढ़े वन बाबा से मुंह लगी हुई है। वो उनके सामने कुछ भी बोल देती है और जो मन में आता है वो गाती है, वो बोलती है। इसीलिए चिड़िया कह रही है कि वह मुंह बोली हुई है, मुंह बोली चिड़िया है, मतलब यह कि वो बूढ़े वन बाबा से मुंह लगी हुई है। बूढ़े वन बाबा की चिड़िया प्यारी भी है, प्रिय भी है। मुंह बोली कहने का आशय ही यह होता है कि कोई किसी का प्रिय हो तभी वो उससे बोल सकता है जो मन में आए, और मुंह बोली कहने का मतलब ही यह है कि चिड़िया को वन बाबा से बहुत ही प्यार है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है विद्यार्थियों कि एक तो जंगल की कल्पना दादा के रूप में क्यों की गई है, बाबा के रूप में क्यों की गई है, पुरखे के रूप में क्यों की गई है, और उन्हें बूढ़ा भी क्यों कहा गया है। यह प्रयोग कवि ने जानबूझकर किया है, वो इसलिए क्योंकि चिड़िया की उम्र बहुत कम होती है और वन, उपवन, जंगल, पेड़ सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पुराने होते हैं। तो यही कारण है कि चूंकि पेड़ बहुत पुराने होते हैं, जंगल बहुत पुराने होते हैं, और चिड़िया की कई पीढ़ियां उस एक ही पेड़ पर पैदा लेती है, जैसे वो चिड़िया उसके माता पिता भी हो सकता है उसी पेड़ पर पैदा हुए हों, और उस चिड़िया के आगे आने वाले बच्चे भी हो सकता है उसकी आगे की संतति, उसकी उनके संतानें भी उसी पेड़ पर पैदा हों। इसीलिए चिड़िया कहती है चूँकि ये वन बाबा अनंत काल से चले आ रहे हैं, बहुत प्राचीन हैं, पुराने हैं, इसलिए और वहीं पर चिड़िया पली बढ़ी है, खेली कूदी है, इसलिए उस वन को अपना मानते हुए बूढ़े वन बाबा का संबोधन चिड़िया ने दिया है कि ये हमारे अपने तो हैं ही, हमारे परिवार के हिस्सा तो हैं ही, क्योंकि हम सब वहीं पले बढ़े हैं और साथ ही हमारे बाबा भी हैं। बाबा इसलिए हैं कि पुराने हैं, प्राचीन हैं, कई पीढ़ी से वो उनके साथ बने हुए हैं। और मुंह बोली भी चिड़िया इसीलिए है क्योंकि उसी पेड़ पर हो सकता है चिड़िया ने उड़ना सीखा हो, उसी पेड़ पर हो सकता है चिड़िया ने बोलना सीखा हो, उसी पेड़ के फल दाने फूल को खाते हुए हो सकता है चिड़िया बड़ी हुई हो। इसीलिए वो कहती है कि मैं बूढ़े वन बाबा के मुंह लगी हुई हूँ, मुंह बोली हूँ, तो इनके सामने मुझे कोई परहेज नहीं है, मुझे कोई लिहाज नहीं करना पड़ता है, और जो मन में आता है मैं बोलती हूँ, वैसे ही जैसे आप अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से कुछ भी बोलते हैं दिल खोलकर, तो आप मुंह बोली हैं उनके लिए। अगर आप चिड़िया हैं तो अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता की आप मुंह बोली हैं। तो फिर से वापस आते हैं चिड़िया पर। तो चिड़िया बूढ़े वन बाबा की प्यारी क्यों है, मुंह बोली क्यों है, आपने समझ लिया। आपने यह भी समझ लिया कि चिड़िया ने बूढ़े वन बाबा का संबोधन क्यों दिया है, जंगल को, वन को बाबा क्यों कहा है। और मजे की बात तो ये देखिए कि जंगल को एक तरह से उसने मनुष्य की तरह चित्रित कर दिया, इंसान बना दिया बाबा कहकर, बूढ़ा भी कहकर और बाबा भी कहकर। तो ये बहुत ही मजेदार प्रयोग इस कविता में है जो चिड़िया कह रही है, और चिड़िया के माध्यम से कवि भी कह रहे हैं। कवि को भी वन उपवन से प्यार है, कवि को भी अन्न से प्यार है, और कवि का बचपन खेत खलिहानों के बीच, वन उपवन के बीच, तालाब में तैरते हुए, पशु पक्षियों के पीछे भागते हुए बीता था। तो वह चिड़िया आप भी हो सकते हैं विद्यार्थियों, कवि तो हैं ही, और चिड़िया जिसके बारे में कहा जा रहा है,
जिस चिड़िया की विशेषता अब तक आप समझ चुके हैं कि वो नीले पंखों वाली है, वो संतोषी है, उसे अन्न से बहुत प्यार है और अपने बूढ़े वन बाबा की वो मुंह बोली भी है, तो ऐसी ही चिड़िया की चर्चा इस कविता में अभी हो रही है। तो फिर से चिड़िया कह रही है कि वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और आखिर में वो कहती है कि ऐसे सुनसान निर्जन जगह पर जहाँ कोई आता जाता ना हो, जिसके लिए विजन शब्द का उपयोग किया गया है, और विजन शब्द का अर्थ अभी आप सब ने कविता पढ़ते हुए अनुमान किया और जानकारी भी ली कि विजन किसे कहते हैं, तो चिड़िया कह रही है कि उस विजन से उसे बहुत ही प्यार है, विजन उसे प्रिय है, इसलिए कि वहाँ पर वो मुंह खोलकर गाती है, अपने वन बाबा से जो भी मन में आता है बातचीत करती है, और वहीं पर वो पली बढ़ी भी होगी, इसलिए वो विजन, वो निर्जन, वो शांत जगह जहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो एक प्रकार की शांति उसे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए चिड़िया कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो चिड़िया की ये सारी बातें आपने जान ली, समझ ली कि चिड़िया के मन में क्या क्या चल रहा है, और आपके मन में भी चिड़िया के बहाने कुछ ना कुछ चल रहा होगा, आपके मन की भी चिड़िया कूद कर बाहर निकल जाना चाह रही होगी, है ना? आप भी सोच रहे होंगे कि आपको चिड़िया की तरह क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है, आप किसके मुंह बोले या मुंह बोली हैं और आपको किन चीज़ों से प्यार है। तो चलिए अब हम आगे की कुछ पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस नीले पंखों वाली चिड़िया को, जो संतोषी भी है, जो मुंह बोली भी है, उसे और किन किन चीज़ों से प्यार है और वो और क्या क्या चीज़ें करती हैं। आगे की पंक्तियां हैं, वह चिड़िया जो चोच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो चिड़िया को नदी से भी प्यार है। अभी अलग अलग चीज़ों से चिड़िया के प्यार के बारे में आपने सुना, अब आखिर में चिड़िया कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। क्यों नदी से प्यार है? क्योंकि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, ऐसी नदी जो भरी हुई, चढ़ी नदी कहने का मतलब नदी पूरी तरह गति में हो, भरी हुई नदी हो, जिसमें बहुत सारा पानी हो, वैसी नदी के बारे में चिड़िया कह रही है कि चढ़ी नदी का दिल टटोलना, दिल टटोलना दिल व्यक्ति के मध्य में होता है, और इसी तरह नदी का दिल कहने का मतलब कि जहाँ सबसे तीव्र धार हो, जहाँ सबसे ज़्यादा पानी हो, वहाँ जाकर जल का मोती अपने चोंच में भर लेती है, जल रूपी मोती चिड़िया के लिए वो जल, चूंकि चिड़िया प्यासी है तो जल उसके लिए मोती से कम नहीं है, इसीलिए चिड़िया कह रही है कि मैं अपने चोंच में जल का मोती भर लेती हूँ, वो भी भरी हुई नदी, चढ़ी हुई नदी का दिल टटोल कर, और इसीलिए चिड़िया कहती है कि वह छोटी गर्भीली चिड़िया को अपने इस क्रियाकलाप पर, अपने इस बात पर कि वो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर अपने चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, इस बात से चिड़िया को बहुत फख्र है, गर्व है, तो इसीलिए चिड़िया कहती है कि वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। कहने का मतलब यह कि चिड़िया साहसी भी है, इसीलिए कहती है कि मुझे गर्व है और मैं डरती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल निडर हूँ। इसीलिए अंत में चिड़िया कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, मैं साहस करके नदी का दिल टटोलती हूँ, इसमें चिड़िया को आनंद भी आता है और चिड़िया की प्यास भी बुझती है, चिड़िया को गर्व भी है साहसी होने का, और इसीलिए अंत में कहती है लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ मुझे इस नदी से भी बहुत प्यार है।
और चिड़िया के साथ साथ, जैसा कि मैं आपसे पहले से ही कह रहा हूँ, कवि को भी कहीं ना कहीं नदी से प्यार है। और अपनी इन्हीं भावनाओं को, जिन चीज़ों से कवि को प्यार है, उसे कवि ने शब्दों के रूप में अभिव्यक्त किया है, और जो आपके सामने है कविता रूप में, वह चिड़िया जो। तो आपने इस कविता का अर्थ जान लिया, समझ लिया। अब आइए कुछ भाषा की भी बात करते हैं। आप इस कविता को जब पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते हुए चिड़िया की कई विशेषताओं की ओर आपका ध्यान गया होगा, जैसे नीले पंखों वाली चिड़िया, छोटी चिड़िया। तो ये चिड़िया छोटी है, चिड़िया नीले पंखों वाली है, चिड़िया संतोषी है। तो ये सारे शब्द चिड़िया की विशेषताओं की ओर संकेत कर रहे हैं। और जो विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? विशेषण। तो अलग से आपको विशेषण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कविता में ही आपने जान लिया कि जिन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है चिड़िया के लिए, वो सब विशेषण हैं। इसी तरह से चिड़िया को पढ़ते हुए आप समझ सकते हैं कि चिड़िया शब्द संज्ञा है, और जब खुद के लिए चिड़िया मैं बोलती है तो वो सर्वनाम है। जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो कविता पढ़ते हुए आप व्याकरण की बात भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, जब चिड़िया ये कहती है कि मैं रस उड़ेल कर गा लेती हूँ, तो गाना क्रिया है। आप सब जानते हैं कि खाना गाना क्रिया है। अब वो कैसे गा रही है? रस उड़ेल कर गा रही है। तो गाने की विशेषता कौन बता रहा है? रस उड़ेलना। तो रस उड़ेल कर यहाँ क्रिया विशेषण की तरह उपयोग किया गया है। तो जो क्रिया की विशेषता बता दे वो क्रिया विशेषण। तो आपने क्रिया विशेषण को भी जान लिया कविता को पढ़ते हुए ही। तो मुझे लगता है इस कविता को पढ़ते समझते हुए आपके मन की चिड़िया अब तक बाहर आ गई होगी। कुछ अनुमान और कल्पना कीजिए और पढ़ते रहिए इस कविता को। हम अगली दफा फिर मिलेंगे किसी और पाठ के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वन्यांकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण अजीत होरो। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।